आज जो मेरे साथ किश्वर मौजूद हैं ये MBBS डॉक्टर हैं। ये कैसे हुआ कि MBBS डॉक्टर ने एक चाय वाले को पसंद कर लिया, आपने शादी की एक चाय वाले से और गांव में आके रहना शुरू कर दिया, ये कैसे हुआ? क्या आपको इनकी दाव पसंद आ गई कि जो आपने सोचा कि नहीं भाई मैंने चाय वाले के साथ जाना? मतलब देखा ही जाता है कि लड़के प्रपोज करते हैं, वाहिद जोड़ा है कि जो आपने पसंद किया इनको, इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से हुई? लड़कियाँ तो ये कहती हैं भाई हम तो प्रपोज नहीं करेंगे। साहब जब उन्होंने प्रपोज किया कलाबाजियाँ मारियाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह कलाबाजी मारी थी, दोबारा से टकरा मारी थी। कर दे हाँ प्यार जी तू पुछदा है यारा, तू ते साहा तू भी नेड़े, तू ते जान तू भी प्यारा, तू ते चाहा तो भी गरम, तू ते तवे तो भी काला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आपने आज़ाद चाय वाले का सुना होगा, आपने अरशद चाय वाले का सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ाद चाय वाला। इन्होंने एक ऐसा कारनामा इन सर अंजाम दिया है कि सुन के आप हैरान रह जाएंगे। चाय वालों की जो शादी होती है नॉर्मल घराने के अंदर होती है, लेकिन आज जो मेरे साथ किश्वर मौजूद हैं ये MBBS डॉक्टर हैं। और इसमें एक सोने पर सुहागा ये है कि इन दोनों ने शादी तो की है, लेकिन जो पसंद है वो किश्वर ने शहज़ाद को किया। MBBS डॉक्टर थी और ये चाय देने जाया करते थे इनके जो ऑफिस था वहाँ पर, इनको शहजाद पसंद आ गए और किश्वर ने शहजाद को प्रपोज कर दिया। ये कैसे हुआ कि MBBS डॉक्टर ने एक चाय वाले को पसंद कर लिया, अभी इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। MBBS किया हुआ है, जो MBBS जो डॉक्टर्स होती हैं वो तो चाहती हैं कि जो हमारा खावंद हो, हमारा शौहर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हो, बड़े बड़े महलात में रहता हो, और आपने शादी की एक चाय वाले से और गांव में आके रहना शुरू कर दिया, ये कैसे हो? जी बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, हर लड़की की जो है वो सोच एक जैसी नहीं होती। मेरी शुरू से ये जो है ना सोच थी कि मतलब अच्छा इंसान होना चाहिए, पैसे वगैरह जो है बंगला गाड़ी ये मेरे माइंड में नहीं था, तो इसलिए बस जो मेरी सोच थी मतलब ये मैं चाहती थी ना कि अच्छे इंसान हो, बस उन्हीं से इसलिए फिर इनको मैंने चूज़ किया है। अच्छा, तो क्या आपको इनकी दाव पसंद आ गई कि जो आपने सोचा कि नहीं भाई मैंने चाय वाले के साथ जाना? सादगी इनकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, जब खड़े होते थे तो ऐसे निगाहें नीचे करके खड़े होते थे। अच्छा। अपने काम से काम रखना, दुख होता था कि मुझे क्यों नहीं देख रहे? ये चोरी चोरी देखते थे, मुझे पता भी नहीं होता था चोरी देखते थे। अच्छा, फिर सादगी तो ना हुई फिर तो, ये इसको क्या कहते हैं कि ये एक होशियारी हुई कि आंखें काणी करके देखते थे आपको? नैना को पसंद करते थे मुझे शुरू से, इसलिए फिर देखते थे, लेकिन मुझे महसूस नहीं होने देते थे, मुझे पता नहीं चलता था कब। ये मैंने एक दो दफ़ा देखा मतलब चोरी देख रहे थे मुझे, और मुझे पता चला मेरे मन में भी ये आया कि शुक्र है देखते तो है ना मेरी तरफ ये भी। चाय में ऐसा क्या इन्होंने मिलाया हुआ था कि जो देख के आपको नशा चढ़ गया इनका? ये तो अल्लाह ही जानता है, या फिर ये जानते हैं कि इन्होंने पता नहीं चाहे मैं ऐसा क्या डाला कि मुझे क्या जादू हो गया, और पता मुझे खुद को नहीं चला कि कैसे ये सब कुछ हो गया। प्यार प्यार ये जादू आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि अचानक से एक चाय का कप पिया और जादू हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इनका एक कप चाहे कप पिया और जादू हुआ, नहीं मतलब जो है ये काफ़ी सिलसिला चलता रहा, और ये बात मतलब फीलिंग पता नहीं अचानक से मेरे मन में आ गई। चाहे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और ये खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और जो है पता नहीं चला मन में कैसी फीलिंग आ गई थी। अच्छा। तो चाहे वाकई इनकी बड़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब देखा ही जाता है कि लड़के प्रपोज करते हैं, लड़के पसंद करते हैं, ये वाहिद जोड़ा है कि जो आपने पसंद किया इनको और आपने ही प्रपोज किया, इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से हुई? लड़कियाँ तो ये कहती हैं भाई हम तो प्रपोज नहीं करेंगे। हाँ जी, ये हिम्मत बहुत ज़्यादा मुश्किल से मतलब मैं खुद लेकर आई हूँ। अच्छा। मैंने कहा कि कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने ये हिम्मत मतलब कोशिश की कि चल एक दफ़ा बात तो करते हैं फिर देखा जाए गल्ला वारस है। ये है कि जब मैंने बात की ये तो खुद ही इतने शॉक्ड कि क्या मैडम कह रही हैं। साहब जब उन्होंने प्रपोज किया कलाबाजियाँ मारियाँ सी? अल्हम्दुलिल्लाह कलाबाजी मारी थी, दोबारा से टकरा मारियाँ मारी थी, मारियाँ सी। रात नींद आई? नहीं, नींद नहीं आती थी। फिर नींद नहीं आई, गोलियाँ शोलियाँ खा दिया से नींद दी? गोलियाँ खानी पड़ती थी क्योंकि एक डॉक्टर ने मुझे प्रपोज किया, ठीक है ना, कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपको प्यार करती हूँ, ठीक है, तो फिर कब नींद आनी थी मुझे। अच्छा। तो गोलियाँ तो जारी बात खानी पड़ती थी। जब इन्होंने प्रपोज किया मन में क्या लड्डू फूटे, दिल में क्या लड्डू फूटे कि यार मुझे MBBS डॉक्टर ने प्रपोज कर दिया? नहीं, पहले तो मैं ये सोचता भी नहीं था क्योंकि मैं कहता था ये मजाक करती हैं, ठीक है, गाड़ी आंग करके देखते थे, उन्होंने देखा हुआ आपको? नहीं नहीं, मैं नहीं देखता था, हमेशा जैसे आज खड़ा वैसे ही खड़ा होता था। तो मैं कहता था इन्होंने मजाक किया, ठीक है ना, तो इन्होंने जब कहा ना मैं सीरियस हूँ, ठीक है ना, मजाक नहीं कर रही, आपके पास मौका है, ठीक है ना, बता दे, तो फिर मैंने सोचा शायद यार हो सके, ठीक है ना, नहीं मैडम शायद मजाक ना कर रही हूँ। इन्होंने कहा आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप सोच ले, 2 दिन का टाइम दे, 2 दिन में वापस गया ही नहीं। तो तीसरे दिन इन्होंने कॉल किया आप आ नहीं रही, मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब होगी, तो कहती मैं डॉक्टर हूँ आप आए मेरे पास, मैं किस लिए यहाँ पे बैठी हूँ, तो आपकी खिदमत के लिए बैठी हूँ।
तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं आज आऊँगा। तो मैं तकरीबन 10-12 बजे इनके पास गया तो बताया जी मैं इस वजह से नहीं आया। ठीक, कहती फिर क्या हुआ? मैंने आप वजह से नहीं आया कि 3 दिन हो गए सो नहीं पा रहा, यकीन नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मैं इस वजह से परेशान हूँ। ठीक है ना, आपने कह क्या दिया? कहती आप इतने परेशान क्यों हो गए हैं? अब हाँ करें या ना करें, ठीक है ना, आपको पता है 6-7 मंथ गुजर गए हमें एक दूसरे को देखते हुए, मैं प्यार करती हूँ, मैंने कह दिया। ठीक है, मैंने कहा मैडम मैं सोच नहीं सकता, एक MBBS डॉक्टर, एक चाय वाला माड़ा सा बंदा कैसे हो सकता है वो। तो मैंने इन्होंने कहा जी अपने घर वालों को मनाएं आप। मैंने कहा चले मैं बात करूँगा, मेरे घर वाले तो माने नहीं इनको। मैंने कहा आप घर वालों को मनाएं। इन्होंने अपनी मम्मा से बात की, उन्होंने अच्छी खासी क्लास लगा दी, भी आपको इतनी तालीम दी, ठीक है ना, इतनी बड़ी बड़ी फीसें भरी, MBBS डॉक्टर बना दी, और आपने चाय वालों को पसंद किया। तो उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये बात एंड होगी। फिर इन्होंने दोबारा सोचा नहीं ये करना चाहिए मुझे। ऐसे करते करते तकरीबन काफ़ी अरसा गुजरा, फिर हो गई। फिर अब आप मुझे ये बताएं कि कैसी जिंदगी गुजर रही है, खुशियाँ हैं, कोई पछता पुछत हुआ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी पसंद पे मुझे जो है ना बहुत नाज भी है, फख्र भी है कि मैंने सही चुना है। बहुत ये नाज और फख्र कौन है? ये नाज और फख्र मैं मुझ में खुद में ही है, जो जो मतलब यही समझ लें इनको मैंने पसंद किया। जब नाराज होती है इनसे तो मनाने के लिए कोई गाना शाना सुनाती है? जी गाना तो बड़ी मुश्किल सुन के मनाती हूँ मैं। दो लाइनें सुना दे। किन्ना कर दे हाँ प्यार जे तो पुछदा है यारा, तू ते साहा तू भी नेड़े, तू ते जान तू भी प्यारा, तू ते चाहा तो भी गरम, तू ते तवे तो भी काला। जित नाजरीन ये जोड़ा हमारे साथ मौजूद था, आपने देखा कि कितनी जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब मैंने शादी के बाद एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया था, तो मैं वहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। पहले चाय वाला था लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कुछ लड़के रखे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं खुद भी बैठता हूँ, ये भी कभी कभी आके टाइम देती हैं। तो वहाँ से अब निज़ाम चल रहा है। और उसके बाद हमने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया, किस नाम से बनाया हुआ? पाकेस व्लॉग के नाम से बनाया हुआ है, कि लोगों को बता सके मोहब्बत क्या चीज़ है, ठीक है ना, मोहब्बत कैसी होती है, ठीक है, वो इस तरह की स्टोरी उनको बताते रहते हैं, डेली की रूटीन बताते हैं, ठीक है ना। जो उनके यूट्यूब चैनल का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड होगा। हमारी दुआ है कि आप इस तरह खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।